यशोमती मैया के नंदलाला। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु प्रभु, मैंने आपके अवतार को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। देने ही पड़े, तुम्हें मेरे चरणों का स्पर्श जो मिल गया, तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। एक साधारण से स्पर्श से तुम्हें वो मिला जो बड़े से बड़े ऋषियों को भी कठिन से कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलता। इसका उत्तर तुम्हारे अतीत में छुपा है। दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ था। शीघ्र ही तुम बहुत अधिक विशाल और असीम बलशाली हो गए थे, पर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अनुचित ढंग से करते थे। एक दिन तुमने महर्षि लोमस के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया, हरे भरे वृक्षों को नष्ट कर दिया। देख क्या रहे हो ऋषिवर, ये विशाल वृक्ष भी मेरे इस विराट तन के आगे कुछ भी नहीं है। जिसे स्वयं अर्जित तक नहीं किया उस तन पर इतना अभिमान, तो सुन ले, जिनसे तेरा तन बना है उन्हीं पंच तत्वों में इसी क्षण ये विलीन हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुझे, मेरा श्राप है तुझे। पर तभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और ऋषि लोमस से तुमने क्षमा याचना की। क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा कर, मैं मूर्ख अभिमानी हूँ, अज्ञानी हूँ, परंतु आप तो दया के सागर है। कृपा करे ऋषिवर, कृपा करे, बिना तन के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। तुम जीवित भी रहोगे और अपने दैनिक कार्यों का संचालन भी कर पाओगे, किंतु सजीव प्राणियों या निर्जीव वस्तुओं की सहायता से ऐसा जीवन तो मृत्यु के समान है ऋषिवर। इससे अच्छा है आप मुझे जीवन से मुक्ति दे दो। मुक्ति भी अवश्य मिलेगी तुम्हें, पर जब तुम परम प्रभु श्री हरि नारायण के चरणों का स्पर्श करोगे, और यही नहीं शक्ता सर, कल जब तुम मुझे खोज नहीं पा रहे थे तब भी तुमने हार नहीं मानी। 7 प्रहर तक 7 बार मेरी और मेरे गोकुल की परिक्रमा की। इस क्रम में तुमने अनजाने में ही अपना पश्चाताप पूरा किया और पुण्य अर्जित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना है ना? तुम ठीक तो है ना?
मेरा नीलमणि, मेरा प्यारा बच्चा। भोला बंसी, ये सब क्या है? उज्जवल, ये किसने करो है? और देख कहानी मत सुनाइयो। उज्जवल पुत्र, कैसे हुआ ये सब, किसने किया? और किसने, महाबली नीलमणि ने बड़ी ताई जी। जी क्या बोल रहे हो, सच्ची सच्ची बता। लो फिर फंस गया उज्जवल। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अचानक तीव्र वेग से वायु चली, फिर ऐसे लगो जैसे कोई भूकंप आ रहा है, और फिर जब मैंने देखा तो ये सकट अपने आप हिल रही थी, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर मैंने साहस दिखाया और उस सकट को रोकने का प्रयास करो, पर सकट ना रुको, जे हिले ही जा रहा था, खड़खड़ 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 खड़खड़। और फिर ऐसे ही हिलते हुए अचानक से आगे बढ़कर सीधा नीलमणि के ऊपर चला आयो। फिर और फिर सकट भी हिल रहा था, खड़खड़ खड़खड़, और सकट का सामान भी हिल रहा था, थरथर थरथर। ऐसा लगो जैसे सकट नीलमणि को कुचल देगो। पर तभी जे जाग गए हो, इसने खींच कर अपने पांव का प्रहार करो और चीक गया सकट आकाश पे। और फिर धड़ाम, सब भूमि पे गिरकर चकनाचूर। मैं सच्ची कह रहा हूँ ताई जी, नीलमणि के पैर का स्पर्श होते ही वो सकट ऐसे वायु में उड़ी जैसे कोई फूल। अच्छा, और जो तेरे हाथ में ये माखन है, ये भी अपने आप उड़ के आ गया होगा ना? हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ। सदा बड़ पोलापन, ये अच्छी बात ना है लल्ला, सत्य बता। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सकट अपने आप ही आयो था और नीलमणि के प्रहार करते ही दूर जा गिरो। अरे ये बड़बोले से पूछने से अच्छा है कि हमें स्वयं विचार करना चाहिए कि ये सकट टूटा कैसे। हाँ नंदराज, हाँ हम भी आरती के लिए भीतर चले गए थे। हाँ। अरे आप सब मेरा विश्वास क्यों ना कर रहे हो, नीलमणि के प्रहार से ही। उज्जवल, सकट बहुत पुराना था, पहिया ढीला होकर खुल गया होगा। यशोदा, अनेक कारण हो सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। मैं चिंता क्यों करने लगी भला, मेरे नीलमणि के गले में रक्षा वाला कंठक पहले से ही है, और हम जैसा पूजा पाठ इतने विधि विधान से इसी के लिए तो कर रहे हैं, है ना पंडित जी? हाँ रानी जी। तो बस फिर मेरे लल्ला को कछु क्यों होने लगो, और आप सब स्वयं ही देख लो ना, जे इतना बड़ा सरकट टूट के बिखर गया है, किंतु मेरे लल्ला को एक खरोच भी ना आई। इसका अर्थ तो ये ही है ना कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मुझे चिंता करने की कछु आवश्यकता ही ना है। चलो सब भीतर चलते हैं। हाँ हाँ, लल्ला को भूख भी लगी आई होगी। नंदराज जी, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। प्रणाम पंडित जी। ध्यान कहां था तुम दोनों का, और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी ना? क्षमा कीजिए नंदराज,
यशोदा क्या हुआ? बोलो ना, क्या सोच रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है जीजी। मेरे लल्ला के साथ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। अरे अभी बाहर ही तुम सबको समझा रही थी, अब भीतर आते ही क्या हो गया तुम्हें? बाहर समझाने वाली मैं ना थी जीजी, वो तो गोकुल की रानी जसोदा थी, किंतु भीतर से मैं अपने नीलमणि की मैया हूँ बस। और एक मैया को कितनी चिंता होती है, चाहे आपसे अधिक कौन जान सकता है। बहुत बड़ा धक्का लगा है मैया को इस घटना से, अब तो ये मेरी रक्षा के लिए और भी अधिक चिंतित हो जाएंगी। यंत्र का कंठक, पूजा पाठ, इतने सारे प्रहरी, सुरक्षा के प्रबंध, यदि इतने सबके बाद भी मैं अपने लल्ला की रक्षा न कर पाई तो मुझसे अधिक अभागी कौन हो सकती है? मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ यशोदा, इसी चिंता के कारण ही तो मैंने आज तक अपने पुत्र को छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ जीजी, मैं समझती हूँ। मैंने तो नीलमणि के लिए इतने सारे संस्कार भी करो हैं, पूजा पाठ की है, किंतु आपने तो, मैंने तो आज तक अपने पुत्र का एक भी संस्कार नहीं किया है। आंसू पोंछ लीजिए बड़ी माँ, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसे जन्म दिया उसके बाद से आज तक ना उसे घर के बाहर लाई हूँ ना कोई संस्कार किया है, मैं तो उसका नामकरण भी नहीं करवा पाई हूँ यशोदा। उसके जन्म के समय स्वामी ने ये संदेश भिजवाया था कि उस कंस को हमारे पुत्र के बारे में तनिक भी भनक नहीं पड़नी चाहिए। तब से आज तक भय के छाव में जीती आई हूँ कि वो कंस कहीं हमारे पुत्र को भी ना मार दे, जैसे देवकी के सारे संतानों को मार दिया है। ये आशंका कभी सत्य नहीं होगी बड़ी माँ, मैं हूँ ना। माँ अपनी संतान के मन की बात बिना कहे ही समझ जाती है, आप भी समझ जाओ ना मैया। चिची हमें रोना ना चाहिए, हमें देख के लल्ला भी रो रहा है। मैया आपकी सहायता की आवश्यकता है मुझे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे लल्ला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है? दाऊ को हम सबसे दूर कब तक रखेंगे बड़ी माँ? ये सोच रहे होगो कि अब तक आपने इसके दाऊ को छुपा के क्यों रखो है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ मैया। चिची कितना मन करता होगा ना इसका अपने दाऊ से मिलने का, और आपके लल्ला का भी तो मन करता होगा ना कि अपने छोटे भाई को मिले। कितनी बातें करते हैं हम दोनों की इनके सामने। हाँ यशोदा, मैं भी अपने पुत्र को नीलमणि के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तो बस फिर हमें साथ साथ रखिए ना, मेरा आधा हिस्सा है वो, उनके बिना मैं अधूरा हूँ मैया। ये दोनों भाई एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजी, हमें इन दोनों को साथ ही रखना चाहिए। आप ही सोचो, यदि नीलमणि की रक्षा होगी तो आपका लल्ला भी तो सुरक्षित रहेगा। तुम सच कह रही हो यशोदा, हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए और साथ में ही रखना चाहिए सुरक्षित। तब तो शीघ्र ही पंडित जी को बुलाकर हमें शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त? हाँ शुभ मुहूर्त, दोनों भाइयों के मिलन के साथ साथ उनका नामकरण संस्कार भी करवा देते। अब अपने दाऊ से मिलूंगा मैं।
ऋषिवर की दिव्य आभा के कारण ये वातावरण कितना शुद्ध, कितना पवित्र लग रहा है ना। हाँ देवकी, इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। इनका तेज ही ऐसा है कि इनके निकट केवल पवित्रता ही वास कर पाती है। किसी भी प्रकार की दुष्टता इनके पास जाने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यदि महर्षि की इच्छा के बिना मैंने भीतर प्रवेश किया तो कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं आश्रम के बाहर रुकूं और यहीं से इन दोनों पर दृष्टि रखूं। आपके आने का आभास हो गया था राजन। गुरुदेव, जो संतानें हमने खो दी है उनका श्राद्ध करवाने की विनती लेकर हम आपके पास आए हैं। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा राजन, परंतु मुझे आभास हो रहा है श्राद्ध कर्म इस भेंट का एकमात्र कारण नहीं है। आपको उसकी या कंस की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर बताइए कि आपकी इच्छा क्या है। गुरुदेव, वर्तमान में मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी पुत्र सहित गोकुल में निवास कर रही है। हमारे उस पुत्र का और भाभी यशोदा के पुत्र का नामकरण संस्कार करवा दीजिए, बस यही हमारा सौभाग्य होगा। मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। देवी रोहिणी से उत्पन्न आपका पुत्र यादव कुल का राजकुमार है और यादवों का गुरु होने के नाते उसका संस्कार कराना हमारा कर्तव्य है। परंतु यशोदा पुत्र का नामकरण वो आप मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं। गुरुदेव, सत्य ये है कि रुक क्यों गई रानी देवकी, आपके मन में जो कुछ है कहिए। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं। यदि मैंने गुरुदेव को यशोदा पुत्र का सत्य बताया तो कंस को भी पता चल जाएगा, और यदि नहीं बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर ही बुरा मान जाए। लगता है आप दोनों की दुविधा मेरे अनुमान से भी बहुत बड़ी है। अपनी या अपने पुत्र की कुंडली लाए हैं राजन। जी गुरुदेव, अपनी कुंडली है मेरे पास। देवकी, जो रहस्य आप नहीं बता पा रहे हैं राजन वो ये कुंडली बताएगी।
चलना। बता कैसी है जगदा? मैया को हो क्या गया है आज? देख सही सही बताइयो। अच्छी है ना, पसंद आएगी ना उसे? हाँ, या फिर जे मोर पंख वाला मुकुट दे दूँ? पहली बार मिल रहे है तू, उपहार तो देना चाहिए ना। पर बड़े तो वो है ना मैया, उपहार तो वो देंगे मुझे। ना ना, मोर पंख वाला मुकुट तो मेरे लल्ला का है ना, जे ना दे सकते। तेरे जैसा कोई कंठा क्या चांदी वाला कड़ा दे दूं? हाँ, इस मिलन के लिए मुझसे अधिक उतावली तो मैया है। अच्छा जे उपहार छोड़, तू तो जे बता कि तू उसे बुलाएगा क्या कह के? अन्य सभी के जैसे बड़े भैया या गांव वालों के जैसे दद्दा बुलाएगो, या फिर बड़े नगरों में जैसे बुलाते हैं जेष्ठ भ्राता बुलाएगो, या फिर प्रेम से बुलाएगो दाऊ? दाऊ बुलाएगो ना? सुनो, आपने, हमारे लल्ला ने निर्णय ले लियो, ये अपने भैया को दाऊ कहकर बुलाएगो। अरे वाह, लल्ला ने बोलना भले ही ना सीखो परंतु तुम्हें बता दियो। और नहीं तो क्या, लल्ला कुछ कहे ना कहे माँ तो समझ जाती है ना लल्ला? और इसने दाऊ वाली बात पे हाँ भी की है। हाँ तो सदानंद जी ने भी कर दी है। लो, मैं तो भूल ही गई, क्या कही पंडित जी ने? बता तो ना यशोदा, बाहर से आया हूँ, हाथ पैर तो धो लूं। जी लो। अब बताओ कब का मुहूर्त निकालो है? तनिक हाथ मुंह पूछ लो। अब बताओ क्या कही उन्होंने? यशोदा थक गए हो, तनिक सांस तो लेन दो। हर से आया हूँ, जल ना पूछोगी? अब बता दो जी, बाबा अब बता भी दो, नहीं तो खेल खेल में खेल हो जाएगा। हाँ बताओ।